तो पहला एप्लीकेशन आपके सामने आता है दोस्तों, बहुत ज्यादा पिक्सॉप। इस सॉफ्टवेयर के थ्रू आप बहुत ही बढ़िया एडिटिंग कर सकते हैं, वो भी बिना कोई भी झिझक के आराम से एडिटिंग कर सकते हैं। जो आप देख पा रहे स्क्रीन पे, आप इजीली अपने बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हो, कोई भी बैकग्राउंड लगा सकते हैं जो इस सॉफ्टवेयर में है, इसमें आप लगा सकते हैं। इस टाइप का कोई इंस्टाग्राम में आप देखते होंगे, इस टाइप का कुछ बैकग्राउंड आप बहुत लोग लगा के इंस्टाग्राम में पोस्ट करते हैं, तो इस तरीके से कुछ वॉलपेपर आप अपने कोई भी फोटो के लिए इजीली बैकग्राउंड रिमूव करके लगा सकते हो। लुक्स बाइक बहुत ही बढ़िया यहाँ से देखने को मिल जाता है। कोई भी इफेक्ट या कोई भी लोगो जो इस एप्लीकेशन में है, उसको आप इजीली ऐड करके अपने कोई भी फोटो के लिए बहुत ही इजी तरीके से कम टाइमिंग में आप इसको बना सकते हो, और इजीली आप अपने इंस्टाग्राम या ट्विटर या फेसबुक में पोस्ट वगैरह कर सकते हो, जो कि देखने को बहुत ही बढ़िया एप्लीकेशन लगता है। वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, जाके इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर दीजिएगा और जरूर इसको यूज़ कीजिएगा। इसमें बहुत सारे एडिटिंग में है, आप खुद उसको भी कर सकते हैं, प्लस यहाँ से डायरेक्ट आप इसको शेयर वगैरह भी कर सकते हैं। और एक बहुत ही बढ़िया बात है, आप कोई भी प्लेटफॉर्म के लिए आपको क्रॉप करना नहीं पड़ेगा, साइज आपको जाना नहीं पड़ेगा, इसीलिए आपका बहुत सारे साइजेस अवेलेबल है सब प्लेटफॉर्म के लिए, फेसबुक इंस्टाग्राम ट्विटर या कवर पेज के लिए। इस तरीके से आप कोई भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, उसी से एडजस्ट करके फोटो को क्रॉप वगैरह यहाँ से कर सकते हैं। और आपने देखा होगा ड्रिप जो आजकल बहुत ही फैशन में चल रहा है, उसको बहुत लोग यूज़ करते हैं अपने फ़ोटोज़ के लिए, तो वहाँ इसमें आप बहुत इजी तरीके से उसको यूज़ कर सकते हो, प्लस बैकग्राउंड का जो बाकी सारा कुछ है उसको कलर वगैरह उसको भी चेंज कर सकते हो, प्लस उसमें एडिटिंग का भी ऑप्शन आता है। खाली बैकग्राउंड रिमूव नहीं करके ना ही ड्रिप डाल के टोटल बैकग्राउंड को अलग ही एक लुक प्रोवाइड किया जा सकता है इस सॉफ्टवेयर में, बहुत ही बेहतरीन इसमें आपको देखने को मिल जाता है। जैसे बैकग्राउंड के बैक साइड में आपको कुछ लोगोस डालना है, इसके डिजाइन डालना है या रिंग टाइप का डालना है या रेनबो इफेक्ट डालना है, इस तरीके के जो इफेक्ट आपको इस सॉफ्टवेयर में मिलता है तो इसमें आपको देखने को मिल जाता है दोस्तों। और इसको आप इजीली सेम सेव करके कोई भी प्लेटफॉर्म में आप इजीली शेयर वगैरह कर सकते हो। और एक चीज बहुत ही अच्छा मिलता है, बैकग्राउंड को आप ब्लर वगैरह भी यहाँ से कर सकते हो बहुत ही इजी तरीके से। एक सिंगल क्लिक से आप कोई भी फोटो का बैकग्राउंड को ब्लर यहाँ से कर सकते हो, प्लस एक इफेक्ट थोड़ा सा भी यहाँ एक तो जिगजैग टाइप का इफेक्ट भी इसमें आप दे सकते हो दोस्तों। वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके इसको डाउनलोड कीजिए और इस एप्लीकेशन को यूज कीजिए। अगला जो एप्लीकेशन आपके सामने आता है दोस्तों, वो है दोस्तों वॉल रैप। इसमें आपको बहुत ही बेहतरीन वॉलपेपर देखने मिलता है, जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हो, एक सिंगल टैप से आप कोई भी वॉलपेपर आप यहां से चेंज कर सकते हो। वो कैसे कर सकते हैं इस एप्लीकेशन के थ्रू, ये मैं बताऊंगा आप लोगों को। आप इस एप्लीकेशन के अंदर आप लोगों को जाना है, ठीक है। जैसे एप्लीकेशन के अंदर जाते हो बहुत सारे ऑप्शन आपको देखने मिलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट हो गया या एमलोड हो गया, एनिमल हो गया, एनिमी कार या गेम्स या कोई भी रिलेटेड आपको वॉलपेपर आप से देखने को मिल जाते हैं। उसके साथ भी आपको एक फायर का टैब होगा इसमें, यहाँ जैसे मैं ट्रेंडिंग है, वो फायर का टैब नहीं है, ट्रेंडिंग के टैब में क्लिक करते हो तो बहुत सारे ट्रेंडिंग जो आप बहुत यूज़ करते हैं लोग डाउनलोड कर, वो सब देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ आपको न्यू कुछ लेटेस्ट यहाँ से कुछ ऐड वगैरह होते हैं वॉलपेपर, तो वो भी आपको यहाँ से देखने को मिल जाते हैं। और जो लेटेस्ट आपको मिलेगा पसंद आता है तो इसको आप इजीली इसको डाउनलोड करके एंजॉय कर सकते हो। प्लस इसके साथ ये पेड वाला भी है, इसका पेड वाला वर्सन भी यूज़ करोगे आप सारा कुछ यूज़ कर सकते हो। प्रो वर्सन जो आता है इसका उसको भी यूज़ कर सकते हो पैसा देके, ज़्यादा नहीं 249-279 ये पड़ता है दोस्तों। उसके साथ आपको जो लूप वीडियो में दिखाया था, उसको लूप वीडियो कैसे ऐड कर सकते हैं, आपको लूप वीडियो के साइड में ऐसा सिलेक्ट करना है, कोई भी फोटो का आप लूपिंग में आप इसको डाल सकते हो। जैसे यहाँ देख पा रहे हो, कोई भी फोटो का टैप करना है, इसको क्रिएट करके आपको डाल देना है। उसके साथ जैसे यहाँ ग्रीन कलर का दिख रहा है तो बंद होगा, इसको ऑन कर देना है। ऑन करते स्क्रीन पर जैसे चले जाते हो, स्क्रीन पर जाने के बाद सिंगल डेक टैप करोगे आपका स्क्रीन हो जाता है। प्लस उसके पहले आप बता दो कैसे करना है, एक विजेट आपको मिलता है, विजेट आपको डाल देना, ये वाला विजेट ड्रॉप एंड ड्रैग कर देना आपके स्क्रीन में। ये तो पहले से मेरे पास है तो इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। तो ये विजेट में आपको जैसे टैप करते जाओगे, टोटल जितना वॉलपेपर आपने ऐड किया है 10, 12, 20, 30 जितना भी वॉलपेपर आपने ऐड किया है उसको इजी तरीके से ऐड कर सकते हो। सिंगल टैप से वॉलपेपर वगैरह आप इजी से यहाँ से चेंज कर सकते हो दोस्तों। वीडियो का डिस्क्रिप्शन लिंक है, जाके इसको वॉलपेपर जाके डाउनलोड कर लीजिए दोस्तों।
सो दोस्तों यहाँ पे हम कीबोर्ड वाला एक एप्लीकेशन लेके आए हैं, जहाँ आप देख जैसे देख पा रहे इस तरीके से कुछ इफेक्ट आपने कीबोर्ड को अलग लुक दे सकता है, अलग डिजाइन आप अपने कीबोर्ड को अलग लुक टाइप का बना सकते हो, इफेक्ट एनिमेटेड या ड्रॉप वाटर ड्रॉप इस टाइप का बना सकते हो। इस एप्लीकेशन में आप बहुत सारे अलग अलग फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, अलग अलग आपको डिजाइन अलग अलग, जैसे ये देख पा रहे वाटर वाला ज्यादा से मेरे पसंद है तो थोड़ा ज्यादा इसको मैं सेव कर लेता हूँ, ठीक है। बहुत सारे अलग अलग इफेक्ट आप यहाँ से देखने को मिलते हैं। उसके साथ आप यहाँ कोई भी कीबोर्ड वगैरह का चेंज करना चाहते हैं, यहाँ से आप कीबोर्ड वगैरह का जो इफेक्ट मैंने बताया था इसको चेंज कर, सिंगल टैप करना है आपको, टैप करते ही डाउनलोड हो जाता है, आपको सारे कीबोर्ड को पहले से डाउनलोड कर देना है, बार बार टैप करना नहीं पड़ेगा, सिंगल टैप से आपका कीबोर्ड तुरंत चेंज हो जाता है, जो कि लगा बहुत ही बढ़िया। एक कीबोर्ड का आप नॉर्मल कीबोर्ड यूज करके थक गए होंगे, तो इस वाले कीबोर्ड की एप्लीकेशन को यूज करके अपने कीबोर्ड को कोई भी अलग लुक दे सकते हैं। प्लस उसके साथ आपको स्टिकर वगैरह यहाँ से देखने को मिल जाते हैं, आपने कोई भी व्हाट्सअप के लिए भेजना है या किसी को भेजना है तो इसे ऐड हो जाता है। प्लस उसके साथ कीबोर्ड का खाली कलर भी चेंज करना चाहते हो, यहाँ से कलर वगैरह भी यहाँ से चेंज कर सकते हो, एक सिंगल टैप से सारा कुछ आप चेंज वगैरह यहाँ से कर सकते हो। ज्यादातर मुझे ये वाटर वाला थोड़ा ज्यादा ही पसंद है, तो इसको मैं ज्यादा ही यूज कर रहा हूँ अभी कुछ दिनों के लिए। मुझे कीबोर्ड वाला ये वाला एप्लीकेशन बहुत ही पसंद आया, वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक है दोस्तों, जाके इसको डाउनलोड कीजिए वाला कीबोर्ड के एप्लीकेशन को। मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना इसमें से कीबोर्ड में से कौन सा इफेक्ट वाला कीबोर्ड आप सबको बहुत पसंद आया दोस्तों। अगला जो एप्लीकेशन दोस्तों आप ये देख पा रहे हो कौन सा एप्लीकेशन बता रहा है भाई, नोट लिख रहा है, नोट वाला एप्लीकेशन हम लोग बाय डिफॉल्ट नोट एप्लीकेशन रहता है भाई। ये नोट एप्लीकेशन तो है, दिखने में आपको नोट जैसा ही दिखेगा, कुछ भी नोट लिख सकते हो, सेव कर सकते हो फाइल को, कुछ भी लिखिए। बट इस एप्लीकेशन को जैसे ही मैं यहाँ से वॉल्यूम अप वॉल्यूम डबल डाउन और वॉल्यूम अप करता हूँ खुल जाता है, लॉक खुल जाता है। उसके बाद इसको कोई भी एप्लीकेशन का आप लॉक कर सकते हो। अभी बोलोगे भाई लॉक एप्लीकेशन क्यों बता रहे, बहुत सारे लॉक एप्लीकेशन रहते हैं, बट ये जो एप्लीकेशन है बहुत डिफरेंट एप्लीकेशन है। इसमें जिसे कोई भी एप्लीकेशन लॉक करते हो वो पर्टिकुलरली हैंग हो जाता है। जैसे यहाँ से देख पा रहे हो मैं इंस्टाग्राम खोलता हूँ, ये पे सिंपली एक जगह पे ये रुक जाता है, कोई भी आपका फोन मांगता है इंस्टाग्राम चेक करने के लिए या फेसबुक चेक करने के लिए तो ये टोटली जैसे ओपन करता है तो हैंग होने जाता है। उसके बाद आपको फोन दे देगा, भाई आपका फोन हैंग हो गया ले जाओ, मेरे को यूज नहीं करना। इजिली आपका कोई भी डेटा वगैरह वो देख नहीं पाएगा, फेसबुक हो गया इंस्टाग्राम हो गया। तो उसको करना कैसे, पहले आपको इंस्टाग्राम होम स्क्रीन या फेसबुक या कोई भी एप्लीकेशन होम स्क्रीन को आपको स्क्रीनशॉट में आपको कैप्चर कर लेना है। कैप्चर करने के बाद में एप्लीकेशन के अंदर आपको चले जाना है। ये लॉक वाला सिस्टम आपको जब इंस्टॉल करोगे आप अपने से सेट कर लेना, इसमें क्लिक करना है, कोई भी एप्लीकेशन में कस्टम में चले जाना है, ठीक है। कस्टम में जाने के बाद जहां आप अपने फाइल को रखिए उस स्क्रीनशॉट वाले को, वहां से आपको सिलेक्ट करना है वो वाले फाइल को, यहां से सिलेक्ट करना है, क्रॉप कर देना है जितना आपको एरिया आपको चाहिए। आपको तो फुल स्क्रीन ही चाहिए ना, कोई भी वो टोटल आपको तो दिखाना है कि भाई मेरा ये हैंग हो गया, वो टोटल इसको क्रॉप कर लीजिए पूरा। मैं इसको क्रॉप कर ले रहा हूं, एक सेकंड, इसको मैं क्रॉप करके यहां से ओके क्रॉप में आपको क्लिक कर लेता हूँ। जैसे ये हो जाता है उस पर लॉक का आपको सिंबल क्लिक करना है, उस पर होम के बटन में प्रेस करना है, होम में चले जाना, फिर जैसे आप जाओगे मैं इंस्टाग्राम में जैसे देखो हैंग हो गया इस तरीके से कुछ देखने को यहाँ से मिल जाता है। अब फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, व्हाट्सअप हो गया, कोई भी एप्लीकेशन का होम स्क्रीन को सेट करके यहाँ से कस्टम में डाल सकते है ना, बहुत ही बेहतरीन ऐप लॉकर के साथ, प्लस आपका ऐप सिक्योर भी यहाँ से रह जाता है दोस्तों। आशा करते हुए वाला एप्लीकेशन आपको पसंद आया होगा, तो आप जल्द से ये वाला एप्लीकेशन को यूज़ कीजिए अपने फ़ोन को सिक्योर रखने के लिए दोस्तों। अगर वाला ये वाला एप्लीकेशन का पसंद आता है वीडियो इसके लिंक है, जाके उसे डाउनलोड कीजिए और इस एप्लीकेशन को यूज़ करके अपने फ़ोन को सिक्योर कीजिए दोस्तों। तो आखिरी जो एप्लीकेशन है इसके बारे में मैं ना ही नाम बताऊंगा ना ही स्क्रीन पे फ्लैश होगा, ये आपको मुझे कमेंट से कमेंट करना, ये वाला एप्लीकेशन आपको कैसा लगा, ये वाला वॉलपेपर है एक तो वॉलपेपर कैसा लगा, ये वाला अगर आपको ये वाला वॉलपेपर चाहिए मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा तो मैं ये वाला वॉलपेपर के बारे में आप लोगों को बता दूंगा दोस्तों। और मुझे कमेंट से ये कमेंट कीजिएगा वाला ये जितने सारे एप्लीकेशन में से आपको कौन सा एप्लीकेशन सबसे ज़्यादा पसंद आया और कौन सा एप्लीकेशन आपको डे टू डे लाइफ में आप यूज करना चाहोगे, ये वाला कमेंट कर देना। कोई भी एप्लीकेशन को पसंद आता है, क्यों पसंद आता है, किस लिए पसंद आता है, ये वाला एप्लीकेशन आप लोगों के लिए बता दूंगा, कमेंट सेक्शन में आप लोगों को पता चल जाएगा ये कौन सा एप्लीकेशन है या कौन सा वॉलपेपर ऐप है या कोई अलग चीज है दोस्तों। आशा करता हूँ दोस्तों ये जितने सारे एप्लीकेशन आप लोगों को बताया बहुत ही पसंद आए होंगे दोस्तों, डेफिनेटली पसंद आए होंगे। तो इस वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जैसे जरूर कर लेना दोस्तों, और मुझे पता है आप लोग लाइक नहीं कर रहे इस वाले वीडियो को, फटाक से लाइक कर दो। कौन सा एप्लीकेशन आप लोगों को पसंद आता है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं अगले ऐसे इंटरेस्टिंग वॉलेट टैग लिए ऐप रिलेटेड कोई भी अनबॉक्सिंग रिलेटेड या गेम रिलेटेड या कोई भी न्यूज में दोस्तों। तो फिलहाल के तो गुड बाय, जय हिंद दोस्तों।